बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली दिलीप कुमार ने। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार का निधन हुआ। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर। आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर इस समय सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर देखने को मिल रही है और तमाम लोग, चाहे बॉलीवुड से जुड़े हों चाहे राजनीतिक जगत से हों, दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 7-8 दिनों से दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती थे और दिलीप कुमार का जाना बेहद दुखद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बेशक 98 में उन्होंने आखिरी फिल्म की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अक्सर इस पीढ़ी को हमेशा मार्गदर्शन दिया है और ये बहुत बड़ा झटका उनकी पार्टनर, उनकी लाइफ पार्टनर, उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए, जिन्होंने हर कदम पर दिलीप कुमार जी का साथ दिया, हर कदम पर उनके साथ रही। और मुझे याद है अभी हाल ही की बात है, जब मीडिया ने सायरा बानो से कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि दिलीप साहब की तबीयत ठीक नहीं है और सभी लोग दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। लेकिन ये बेहद दुखद कि दिलीप कुमार इस बार ठीक नहीं हुए, वो चले गए सभी को छोड़कर। बेहद दुखद खबर आती हुई, दिग्गज अभिनेता सुपरस्टार, अपने जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार, लंबा वक्त बॉलीवुड में बिताया, लंबी उनकी फिल्मी दुनिया रही और बहुत लंबे वक्त में दिलीप कुमार ने जो सफलता, जो सक्सेस हासिल करी, आज भी दिलीप कुमार को चाहे वो युवा पीढ़ी हो, हर कोई जानता है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। और अब रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है और इस समय सोशल मीडिया पर आप देखिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये कहा है कि उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। तो सब जगह इस वक्त शोक की लहर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे, उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि दुनिया भर में लोग दिलीप कुमार को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट देखने को मिल रही हैं और उनकी फिल्मों के लिए, उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें याद किया जा रहा है। दिलीप कुमार की कई ऐसी फिल्म हैं जिन्हें आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। अपने जमाने में वो पिक्चर सुपरहिट रही और आज भी चाहे मुगले आजम हो, इस तरह की कई फिल्में दिलीप कुमार ने की और बेहद संजीदा, बेहद गंभीर अदायगी। सलीम का वो रोल दिलीप कुमार साहब ने जो निभाया, कहीं ना कहीं आज भी अगर किसी एक्टिंग का जिक्र किया जाता है, बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। चाहे शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अक्सर दिलीप कुमार से मिला करते थे। और अब रुक कर ले और बड़ी खबर का।
ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के दिग्गजों ने दिलीप कुमार को आज याद किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दिलीप कुमार के परिवार दोस्त फैंस के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। भारतीय सिनेमा के लिए दिलीप कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अभिनेता दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिलीप कुमार के परिवार दोस्त फैंस के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है और ये कहा है कि भारतीय सिनेमा के लिए दिलीप कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इस समय ट्वीट्स के जरिए दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिलीप कुमार को आज याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राहुल गांधी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि राजनाथ सिंह ने भी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है ट्वीट के जरिए। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिलीप साहब एक शानदार कलाकार थे, दिलीप कुमार का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति है। दिलीप साहब ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार काम किया, गंगा जमुना में उनके काम ने लोगों के दिलों को छू लिया था। ऐसी अनेकों फिल्म, सैकड़ों फिल्म जो दिलीप कुमार जी की वजह से आज भी देखी जाती हैं, चाहे वो मुगले आजम हो, गंगा जमुना जैसी फिल्म हो जिसमें उनकी अदाकारी ने लोगों के दिलों को छुआ था, उस जमाने की सुपरहिट फिल्में, और 98 में दिलीप साहब ने अपनी आखिरी फिल्म की थी। 98 के बाद वो बेशक फिल्मों से दूर हुए लेकिन लगातार बॉलीवुड में लोगों से मिलना जुलना, अवार्ड फंक्शंस में दिलीप कुमार साहब को हमेशा देखा जाता था और उनकी तबीयत इन दिनों ज्यादा नासाज थी। अक्सर इस तरह की खबर आती थी कि दिलीप साहब अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो उस वक्त प्रार्थनाओं का दौर देश में चलता था और उन प्रार्थनाओं का असर होता था, दिलीप साहब ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार ठीक नहीं हुए, सबको छोड़कर चले गए। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था लेकिन बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। यूसुफ खान ने अपनी पढ़ाई नासिक में की थी। दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवार के घर में हुआ था। उनके 12 भाई बहन थे। ट्रेजेडी किंग के नाम से दिलीप साहब को जाना जाता था। करीब 22 साल की उम्र में पहली फिल्म उनको मिल गई थी। बहुत छोटी उम्र से अपने करियर की शुरुआत की। पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1900 दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म जो थी वो जुगनू थी। 1949 में फिल्म अंदाज में पहली बार राज कपूर के साथ उन्होंने काम किया था। ये उनका फिल्मी सफर आप देखिए, बेहतरीन। राज कपूर उनके बचपन में ही दोस्त बन गए थे। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं दिलीप कुमार। करीब 5 दशक के करियर में 60 के करीब फिल्में उन्होंने की। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ और 22 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। असली नाम उनका मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने अपनी पढ़ाई नासिक से की, उसके बाद फिल्मी दुनिया में आए और उनका बेहतरीन सफर शुरू हुआ। दिलीप कुमार द्वारा की गई अदाकारी, वो संजीदगी, वो गंभीरता, वो एक्सप्रेशन, करीब 22 साल की उम्र में पहली फिल्म उनको मिल गई थी और उसके बाद एक के बाद एक सफलता को उन्होंने छुआ। पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म जुगनू थी। फिर 1949 में फिल्म अंदाज में पहली बार उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। राज कपूर उनके बचपन में ही दोस्त बन गए थे। भारतीय संसद में भी उन्होंने सेवा दी। उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं दिलीप कुमार। करीब 5 दशक के करियर में 60 के करीब फिल्में की थी और जब उनके फिल्मी करियर, उनकी सफलता की बात होती है या उनके आखिरी वक्त की बात होती है तो उनकी पत्नी सायरा बानो, उनकी पार्टनर, उनकी लाइफ पार्टनर
उनका सब कुछ संभालने वाली सायरा बानो, उनका भी जिक्र हमेशा किया जाता है जब भी दिलीप कुमार की बात होती है। और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए भी है, क्योंकि लगातार कई इस तरह की खबरें आती थी कि दिलीप कुमार की तबीयत ठीक नहीं है या उनको परेशानियां हो रही हैं कुछ उम्र दराज होने की वजह से भी। तो उनकी पत्नी से अक्सर बातचीत जो मीडिया कर्मी है उनकी होती है, तो वो हमेशा बहुत ज्यादा दिलीप कुमार जी को लेकर कंसर्न रहती थी और यही कहा करती थी कि उनके लिए दुआ करें और वो ठीक हो जाएं, ऐसी दुआ करें। और कई बार दुआएं काम भी की, लेकिन इस बार ट्रेजेडी किंग सबको छोड़कर चले गए। उनका सफरनामा देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सफलता का जो सफरनामा है वो कितना लंबा है, कि 22 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की और उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने हिट फिल्में लोगों को दी। तो आज उन्हें याद किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। वहीं दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी दिलीप कुमार को याद किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी। दिलीप कुमार के परिवार, दोस्त, फैंस के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। भारतीय सिनेमा के लिए दिलीप कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा, ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिलीप कुमार को याद किया और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिलीप साहब एक शानदार कलाकार थे। दिलीप कुमार का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति। दिलीप साहब ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार काम किया। गंगा जमुना में उनके काम ने लोगों के दिलों को छू लिया था। वैसी कई फिल्में दिलीप कुमार जी की जिनको आज याद किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, वाकई एक बेहद दुखद खबर पूरा बॉलीवुड के लिए, प्रशंसकों के लिए जो दिलीप साहब की फिल्मों को आज भी पसंद करते हैं, और बड़ी क्षति। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस प्रकार से ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं, तो काफी दुखद ये खबर पूरे देशवासियों के लिए है। कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, हालांकि कुछ दिनों से उनको कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके लंग्स में जो है फ्लूड जमा हो गया था जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उनका जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा से उनको डिस्चार्ज किया गया। काफी कुछ दिन के बाद फिर उनको जो है दिक्कत, जो सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर दोबारा से हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ा। कहीं ना कहीं उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने आज सुबह 7:30 बजे जो है ये खबर दी, ये दुखद खबर सामने आई। मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा था और उनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पारकर, उनकी तरफ से जो है ये आज जो है निधन की खबर की पुष्टि की गई। हालांकि 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार पे ट्विटर हैंडल पर उनकी हेल्थ का अपडेट किया गया था और लगातार जिस प्रकार से दुखद खबर आ रही है तो तमाम जो है बॉलीवुड जगत के लिए और पूरे देश के लिए दुखद खबर है। जी नंदी, जी बिल्कुल, और इस समय सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं, तमाम नेताओं ने भी दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि दी है। और बड़ी क्षति पूरे बॉलीवुड के लिए रवि, इसलिए भी क्योंकि भले ही दिलीप कुमार ने साल 1998 में आखिरी फिल्म की हो, लेकिन लगातार जो आज के दौर के सुपरस्टार हैं और जो आज की नई युवा पीढ़ी की भी मैं बात करूंगी, लगातार जो है दिलीप कुमार की मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं सब, चाहे सुपरस्टार शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, अक्सर उनसे मिला करते थे। जी बिल्कुल, देखिए जो युवा जितने भी हैं बॉलीवुड स्टार या फिर जो आप बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, सलमान खान, तमाम जो ऐसे नेता अभिनेता थे तो वो लगातार उनसे एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करते थे, उनसे इंस्पायर्ड होके तमाम जो है वो मिलते रहते थे और उनसे आगे जो आने वाली जो फिल्में हैं और तमाम की उनपे सलाह लिया करते थे। मैं बात करूं दिलीप कुमार की, कुछ जो फिल्में हैं, जवाहर भाटा से उन्होंने अपनी जो है करियर की शुरुआत की थी, उनकी यादगार फिल्मों में मेला, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, तो तमाम ऐसी जो फिल्में थी जिनमें दिलीप कुमार ने अभिनय किया और शानदार अभिनय के चलते
उन्होंने अपना जो है परचम लहराया बॉलीवुड में, उसके साथ साथ जो तमाम जो अभिनेता हैं वो उनका बहुत मान और सम्मान करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीनियर मोस्ट सीनियर अभिनेता होने के नाते भी और एक अच्छे इंसान होने के नाते भी तमाम जो एक्टर्स हैं, तमाम जो अभिनेता हैं, इनको इंस्पायर करते थे आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करते थे और जो तमाम जो जानकारियां बारीकियों से अवगत कराते थे कि कैसे आपको काम करना है, किस हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है, किस हिसाब से आपको लोगों से मिलना जुलना है। फैन फॉलोइंग बड़ी होती है अभिनेता की, तो उस हिसाब से उस चीज को लेकर भी वो उनको गाइड करते रहते थे कि अपने फैन से आपको कैसे मिलना है। तमाम चीजें, तमाम जो बारीकियां हैं बॉलीवुड की और जो फिल्मों की, वो उनको समझाते रहते थे। जी रवि, जो दिलीप कुमार साहब के सफरनामे में उनके द्वारा की गई जो पिक्चरें हैं, जैसे मैं जिक्र यहां करूंगी देवदास फिल्म का, देवदास उसके बाद फिर बनी जिसपे शाहरुख खान ने अदायगी की और बेहतरीन काम उन्होंने भी किया, लेकिन फिर भी देवदास का जब भी जिक्र होता तो जो दिलीप कुमार ने देवदास की उसका जिक्र ज्यादा होता है, क्योंकि दिलीप कुमार जी के लिए कहा जाता है कि वो अपने कैरेक्टर में हमेशा घुल के काम किया करते थे। जब उन्होंने देवदास फिल्म की या उन्होंने मुगले आजम फिल्म की तो वो कैरेक्टर में समा चुके थे, और उन्होंने खुद इस बात का कई बार खुलासा किया है कि जब वो देवदास फिल्म कर रहे थे तो वो उस एक्टिंग को, उस कैरेक्टर को जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं यही सबसे खास था कि जब वो अदाकारी करते थे तो उनकी एक्टिंग में कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से घुल जाते थे और ऐसा लगता था कि मानो बस वही अदाकार बोल रहा है। जो दिलीप कुमार साहब की अपनी पर्सनल पर्सनालिटी थी वो फिल्मों में बिल्कुल नजर नहीं आती थी। जी नन्हे, बिल्कुल जिस प्रकार से वो फिल्में करते थे, जिस प्रकार से वो अभिनय करते थे फिल्मों में, और लगातार जिस प्रकार से उनकी एक डेडिकेशन थी, डेडिकेशन के हिसाब से वो लगातार लगे रहते थे, जो अपना 100% जो एफर्ट करते थे, और उसी हिसाब से मैं मान के चलूं बहुत जो उनकी काफी ऐसी फिल्में हैं जिनमें वो जिन्होंने जो है क्लास स्तर का जो अभिनय किया, लोगों ने उनको सराहाया काफी हद तक। देवदास की जो बात आप जो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि देवदास में बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, उसके बावजूद उनका साफ तौर पर कहना है कि देवदास एक अच्छी जो फिल्म थी, लोगों के लिए जो है जगह बनाई अलग, उनका एक किरदार अलग तरीके से था, उस प्रकार से जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो किरदार जो फिल्म में था देवदास में था वो काफी सराहनीय किरदार कहा जा सकता है। उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत सी फिल्में की, और इस प्रकार से जिस प्रकार से जो दिलीप कुमार है वो अपने आप में क्लास उनकी जो एक्टिंग में था वो झलकता था, और कहीं ना कहीं उनसे ऊपर जो है एक्टिंग फिलहाल आज के जितने युवा हैं उनसे उनको सीखने की जो है जरूरत थी, काफी कुछ सीखने के बाद जो है इस स्तर पर पहुंचा जाता है। और दिलीप कुमार लगातार शुरू से ही अपने अभिनय को लेकर जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं एक क्लास एक्टिंग जो है उनके द्वारा जो है वो की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रेजेडी किंग का जो सफरनामा रहा है वो बेहद प्रेरणादायी रहा है, उनकी पत्नी सायरा बानो के साथ जो उनकी स्टोरी रही है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है तमाम आज के युवा कपल्स के लिए भी, कि कैसे एक दूसरे का साथ आखिरी सफर तक निभाया जाना चाहिए, ये कोई दिलीप कुमार और सायरा बानो से सीखे। हालांकि अब सबको छोड़कर चले गए हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ।